खास सरोकार। नमस्कार, मैं उषा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। खबर जगदलपुर से है, जहां स्वच्छता दीदियों ने अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पूर्व मिशन क्लीन सिटी में कार्यरत स्वच्छता दीदियों ने अपने ऊपर हो रहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण के खिलाफ नगर निगम को ज्ञापन दिया था। स्वच्छता दीदियों का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल और पार्षद दल भी उपस्थित होकर इनकी जायज मांगों को समर्थन दिया। ऐसे में स्वच्छता दीदियों के न्यायोचित मांगों को लेकर 330 स्वच्छता दीदियों का नेतृत्व करने वाले स्वच्छता दीदियों पर चुन चुनकर दूषित मानसिकता से कार्रवाई करते हुए इन्हें कार्य से एक एक कर बिठाला जा रहा है, जिससे इनकी आवाज को दबाया जा सके। पूरा महिला लोग के साथ अत्याचार हो रहा था। कोई भी अधिकारी जाता था ना, उनको डायरेक्ट धमकी दिया जाता था, तुम्हारे जैसा बहुत 10 जन लेडीज मिलेंगे या 25 जन मिलेंगे, ये क्या मामूली बात थोड़े है सर। आज का डेट में अगर स्वच्छता अभियान चालू हुआ है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का वजह से मिला है हमको काम। आज पहले भी हम लोग निगम में कर रहे थे तो हमारे साथ पहले भी अत्याचार किया गया, उतना समय भी पूरा 250 लेडीज का मतलब निकाल के फेंका गया। तब इसमें मेरे को संघर्ष करना पड़ा, तब से इन लोग ना ये कोशिश कर रहे हैं कि महिला लोग के लिए कोई आवाज। आठ बजे से रहने के बाद आज दंतेवाड़ा समेत पूरे बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी माता की आस्था विदेशों में भी फैल रही है। विदेशों में रहने वाले भारतीय परिवारों ने इस बार चैत्र नवरात्रि में दंतेश्वरी माता के दरबार में ज्योति कलश प्रज्वलित किया। बता दें कि कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन और इंग्लैंड में भी रहने वाले भारतीय परिवारों ने कलश स्थापित कर माता रानी की पूजा अर्चना की। बता दें कि शारदीय नवरात्र में ज्योति कलश की संख्या 10,000 के पार पहुंच जाती है। हुआ है टोटल 8,667 और घी का है 2076 और विदेश से भी कुछ दिए जले हैं इस साल, 3 दिए कुछ है। तो विदेशों से पहले से भी दिए जलाते आ रहे हैं या किसी बार जला? हाँ, पहले से भी जलते हुए आ रहे हैं, 1-2 दिया इस साल, 3 दिए हुए हैं, 3 दिया जला हुआ है। तो लगभग कितने सालों से दिया जल रहे हैं विदेशों से? 2-3 साल से। 2-3 साल जी। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने युवक की जान ले ली। बता दें कि जगदलपुर के पैलेस रोड पर स्कूटी से जा रही मां और बेटे को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद इस हादसे में बेटे की मौत हो गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल मां को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि ट्रक चालक और कंडक्टर दोनों मौके से फरार हो गए हैं। खबर कबीर धाम से है, जहां कवर्धा यातायात प्रभारी महेश्वर सिंह की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। बता दें कि महेश्वर सिंह ने फुटकर व्यापारियों की दुकान हटाने के नाम पर लोगों का जमकर पिटाई की, जिसके बाद सभी व्यापारियों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। बता दें कि आक्रोशित व्यापारियों ने मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की है। व्यवस्था सुधारने के समय रायपुर रोड में ये घटना हुई थी, जिसमें नवीन मार्केट है और यहाँ पर फल के ठेले जो बीच में लगे हुए थे उनको व्यवस्थित किया जा रहा था और इस बीच में धक्का मुक्की हुई थी और इस बात से जो फल ठेले वाले हैं उनमें थोड़ा आक्रोश था। लेकिन यहाँ पर मौके पर जब उनके द्वारा इस बात पे वाद विवाद किया गया था तो पुलिस पार्टी यहाँ पे पहुंची थी और यहाँ पे उपस्थित होकर उनको समझाइश भी दी गई है और व्यवस्थित करने के लिए भी बताया गया है और इस प्रकार वो अपने जो शिकायत वो कर रहे थे उसे वो मान भी लिए। मामला ग्राम पंचायत तौलीडीह से है, जहां चल रहे गौठान निर्माण कार्य हो रहे कामों को सरपंच पुरुषोत्तम साहू और ग्राम पंचायत रोजगार सहायक सचिव नंद कुमार साहू द्वारा गौठानों के कार्यों को ठेके में देने के मामले में मीडिया ने
तौलीडीही गोठानों में चल रहे कामों के बारे में जानकारी देने पहुंचे। वहां पर काम करने वाले राजमिस्त्री लक्ष्मी प्रसाद साहू ने बताया कि मेरे द्वारा गोठान निर्माण कार्य हो रहे हैं, सरपंच और रोजगार सहायक सचिव ने मुझे ठेका कार्य दिया है। वहीं संबंध में सरपंच पुरुषोत्तम साहू से जानकारी लेने पर बताया गया कि चल रहे गोठानों के कार्यों में काम करने वाले मिस्त्री मजदूरों को भुगतान किया जाता है, कोई भी कार्य को मेरे द्वारा ठेका नहीं दिया गया। अब देखना यह है कि सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को सही ढंग से काम कराती है या नहीं, या सरपंच सचिव के ऊपर लापरवाही करती है। महासमुंद पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के कड़े निर्देश के बाद सरायपाली बसना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों पर छापा मारकर 5 सटोरियों को सट्टा खिलाते और सट्टा पट्टी लिखते रंगों हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें, दरअसल पुलिस अधीक्षक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना सरायपाली बसना क्षेत्र में कई स्थानों पर सट्टा पट्टी खेली जा रही है। पुलिस अधीक्षक महासमुंद के द्वारा उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर योजनाबद्ध तरीके से सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।